गाय को माँ कहते हैं, अगर गाय माँ हुई तो सांड क्या हुआ? हैं, सींग वाले गधे हैं ये। मतलब गाय को माँ कहेंगे लेकिन इंसान को अछूत कहेंगे, गाय के गोबर को पवित्र कहेंगे। पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। अरे कितना मैल उतरी है, कब से नहीं नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते थे। जो पार्वती देवी हो गए, जो इतना सारा मैल उतराया और एक गणेश बन गया, एक बच्चा बन गया, उड़गुम गुड़गुम 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 सारे मंत्र बोलते हैं, तो उन मंत्रों के जरिए ये क्या करते हैं, गोबर के गणेश में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो मैं नरक से डरूं ना, मैं स्वर्ग से डरूं, इनके 33 करोड़ मुझसे डर के भाग जाते हैं। सनातनियों देख रहे हो ना, तुम लोग सुन रहे हो ना, अब दूसरे को क्या कहें जब खुद का सिक्का खोटा हो, बताइए। अब इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें इसके माँ बाप की तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती मैं मानता हूँ क्वांटम कंपनी की। जी हाँ, मैं क्वांटम कंपनी की इसलिए मानता हूँ क्योंकि जिस टाइम इसके बाप ने वो क्वांटम यूज किया था तो उस टाइम वो क्वांटम गलती से फट गया था और ऐसी औलाद पैदा हो गई थी जो आज अपने धर्म पे किस तरह से सवाल उठा रही है और कितना भद्दा बोल रही है, कितना गंदा बोल रही है। गलती उस क्वांटम कंपनी की है। मैं आग्रह करना चाहता हूं उस क्वांटम कंपनी से कि थोड़ा मजबूती से क्वांटम बनाओ ताकि वो कॉन्डम फटे ना और ऐसी औलाद पैदा ना हो, समझ गए? और दूसरी बात, जिन माँ बापों ने ऐसी औलाद पैदा करी, पैदा तो तुमने कर दी, गलती तो तुमसे हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस गलती को तुम सुधार सकते थे अगर कहीं ना कहीं इसको अच्छी शिक्षा देते, कहीं अच्छे से स्कूल में भेजते या गुरुकुल में भेजते तो शायद आज इसकी जवान ऐसी नहीं खुलती। गलती उसके माँ बाप की है जिसने ऐसी शिक्षा दी है अपनी औलाद को, ऐसी गलती इनके माँ बाप की है। दोस्तों, ये हमारे माता सीता के बारे में कितना अनाप शनाप बोली है, ये हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोली है, ये बहुत कुछ बोली है गौ माता के लिए, बहुत कुछ बोली है, आप सबने सुना है, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्या जवाब देके कोई इलाज बनता है? बताइए आप लोग। मैं कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े संगठन है, जितने भी संगठन है, क्या इसके ऊपर एक FIR होगी? अगर इसकी जगह कोई जिहादन होती तो FIR हो जाती, फिर FIR हो जाती। क्या इसके ऊपर कोई FIR होगी? अगर कोई सामने वाला हम पर उंगली उठाता है तो क्यों उठाता है? इसका सबसे बड़ा कारण ऐसी औलादें हैं जो गलती से पैदा हुई हैं, ऐसी औलादें हैं, इनकी वजह से आज हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाई जाती है। ये 4 क्लास क्या पढ़ लेती है, अपने आप को ना जाने कौन सा मिनिस्टर समझने लगती है, हैं? समझ में नहीं आता है। अब आप ही बताइए, क्या इसके माँ बाप ने वो गलती की है या नहीं की है? पहले तो पैदा कर दी ऐसी और उनको ये नहीं पता था कि ये बाद में ऐसी करेगी, तो अरे गलती तुम्हारी है कि तुम अच्छी शिक्षा ना दे पाए, कुछ बता नहीं पाए, तुम अपने धर्म के बारे में समझा नहीं पाए, तुम सिखा नहीं पाए। और आज भी हमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के कोई मतलब वहां पे नाच रहा है, रोड पर नाच रहा है, कोई चौक में नाच रहा है, कोई मतलब रेलवे स्टेशन पे नाच रहा है। ये नचकैया बनाओ और इस तरह की औलादे बनाओ, बस धर्म का ज्ञान मत दो, धर्म का ज्ञान मत दो। और जब धर्म का ज्ञान इन्हें नहीं मिलेगा तो ये हालत है इनकी, ये इनकी जवान खुलती है फिर। अब आप लोग बताइए, क्या कहना चाहोगे? सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, मैं कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े संगठन है वो आगे निकल के आए, पहले इस पर FIR करें, इसको अंदर डलवाएं, क्योंकि अगर कोई उंगली उठाता है तो ऐसों की वजह से मेरे सनातन धर्म पे उंगली उठाता है और करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचती है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अगर थोड़ी भी वो है तो। मैं इसको सिखाना और समझाना बहुत अच्छे से जानता हूं, अपनी बढ़िया भाषा से भी और उससे भी बढ़िया भाषा से भी। मेरे पे हर तरह की भाषा है, ऐसी बात ना है, लेकिन काम नहीं चलेगा ऐसे। काम चलेगा इसको सजा करवा के, काम ऐसे नहीं चलेगा, प्रॉब्लम यह है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक मैसेज जाए जो ऐसी औलादें पैदा कर रही है, उन लोगों तक मैसेज जाए जो अपने औलादों को शिक्षा नहीं दे पा रहे, धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रहे, जो बाद में इस तरह के कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं आके।
मुंह खोलने पहले सोचते नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। अब आप लोगों के हाथ में है मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, ताकि मैं चाहता हूं बड़े बड़े उन संगठनों के पास ये वीडियो पहुंचे और इसे अरेस्ट कराए, इसे जेल में डलवाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज ये मुंह खोल रही है, कल के कोई और मुंह खोलेगा, फिर कोई और मुंह खोलेगा। मेरे धर्म का मजाक ऐसे बनता रहेगा? पहुंचाइए मेरे भाई इस वीडियो को, शेयर करिए। बाकी मैं फिर कहूंगा, कॉन्डम कंपनी से आग्रह कर रहा हूं कि थोड़ा मजबूती से कॉन्डम बना लो ताकि ऐसी औलाद पैदा ना हो। जय हिंद।